एक मित्र ने लिखा है, कहा जाता है कि जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, अर्थात अपने बोध को, अपनी सिद्ध अवस्था को, तो उसका बाहरी जीवन भी उसके आत्मिक गुणों की खुशबू से महक उठता है, जो दूर दूर तक लोगों को रूपांतरित करता है। ऐसे आनंदित और शांत व्यक्ति को बाहरी चमक दमक नहीं लुभाती है। इसका वो प्रयास करे ये बेमानी जान पड़ता है, क्योंकि वो वैसे ही सहनसा है। फिर जो है वो ठीक है, उससे परहेज नहीं। और जो नहीं है उसकी कोई चाह नहीं, ऐसा मेरा सोचना है। फिर भी कभी कभार ऐसे कई गुरु देखे गए हैं जो सांसारिक इच्छाओं जैसे नाम, शोहरत, शक्ति, दौलत इत्यादि के भी प्रयास करते जान पड़ते हैं। ऐसे में व्यक्ति भ्रमित होता है। आप कुछ इस विषय में कहने की कृपा करें। भ्रमित व्यक्ति भ्रमित होने के सारे बहाने ढूंढ लेगा। जिसको भ्रमित होना है वो येन केन प्रकारेण, यानी किसी भी प्रकार से भ्रमित होगा ही, चाहे वो सही हो या गलत हो। और जिसको देखने की अंतर्दृष्टि है उसको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। सवाल कभी भी ये नहीं है कि कौन क्या करता है और कौन क्या नहीं करता है। सवाल हमारी अंतर्दृष्टि का है। अगर हमारी अंतर्दृष्टि स्पष्ट ना हो, हमारी इंसाइट क्लियर ना हो, तो क्या हम वो देख पाते हैं जो है? जो है उसको देख पाना ये बहुत गहरी प्रतिभा की मांग करता है। हमको विकसित होना है अपने चेतना के आयाम में, बुद्धि के आयाम में, और कुछ भी देख पाने की प्रतिभा विकसित करनी। भारत में परंपरा रही है गुरुओं को, जैसे लिखा है, सहनसा कहने की या महाराज कहने की। महाराज शब्द भी इसीलिए आया क्योंकि महाराज शब्द गुरुओं पे फिट यूं तो नहीं बैठता, लेकिन वो एम्परर है। एम्परर महाराज वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए। अब अस्तित्व में दो तरह का घटनाक्रम काम करता है। हम अगर ऊर्जा विज्ञान को नहीं समझते तो बड़ी अड़चनें खड़ी हो सकती हैं। भारत दोनों दुविधाओं में डोलता रहा है। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके पीछे सब कुछ दौड़ने लगता है। जो खाली हो गया है, रिक्त हो गया है, उसके पीछे सब कुछ भागने लगता है। वो प्रसिद्ध भी होता है, उसके चारों तरफ शक्ति भी इकट्ठी होती है, उसके चारों तरफ लोग भी इकट्ठे होते हैं। रहा सवाल धन का, वैभव का, ऐश्वर्य का, वो सब इकट्ठा होता है लेकिन उसको कुछ नहीं चाहिए। ये घटना भी होती है। ये जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो वहाँ पर वो एक वैक्यूम पैदा हुआ है, उसकी तरफ अस्तित्व की शक्तियाँ दौड़ती हैं। दूसरा पहलू भी है कि जब कोई पूरे लक्ष्य के साथ काम करे और इन सारी चीज़ों को अर्जित करने का प्रयास करे, सारी मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का यूज करे, तब भी उसके चारों तरफ शक्ति आ सकती है, संपदा आ सकती है, प्रसिद्धि आ सकती है।
अंतर मूलभूत दोनों में बस थोड़ा सा होगा, वो अंतर यही होगा कि जो रिक्तता से, खालीपन से, वैक्यूम से आई हुई सारी प्रक्रिया होगी उसमें अपरिसीम शांति होगी, गहरी से गहरी शांति होगी, उत्तेजना नहीं होगी। और जहाँ पर प्रयास से सब इकट्ठा किया गया होगा वहाँ उत्तेजना होगी। जैसे राजनेता अपने अनुयायियों को पकड़ना चाहता है, ऐसे ही गुरु लोग भी अपने अनुयायियों को पकड़ना चाहते हैं। संगठनों और संप्रदायों में अगर तुम जाओ तो तुम देखोगे कि ये राजनीतिक प्रक्रिया कितनी चलती है। गुरुओं के पास जो उस चीज़ को देखकर गुरु बनने की यात्रा पर निकले हैं कि जिनको दिखता है कि उस खालीपन को भरने के लिए अस्तित्व का ऐश्वर्य दौड़ पड़ता है, तो उनको लगता है कि ये भी किया जा सकता है। तो बेशक किया जा सकता है, लेकिन तब मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मैनिपुलेशन से जो सबसे पहली चीज भंग होगी वो शांति। अब तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब पूरे योजनाबद्ध ढंग से लोग प्रसिद्धि या किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं या पहुंचाए जा सकते हैं। विज्ञापन का जो जगत है उसको हम जानते ही हैं। विज्ञापन का जगत उन्हीं सारे सिद्धांतों का उपयोग करता है कि किसी भी प्रोडक्ट को आप रिपीटिटिव ढंग से उसका प्रचार करके उसको लोगों के मन में बिठा सकते हैं। धार्मिक जगत में देखें तो वहाँ भी विज्ञापन जगत का यही कार्य व्यापार है। दोहराते रहो चीज़ों को दोहराते दोहराते लोगों के मन में वो बैठ जाती हैं और उनका अपना असर होने लगता है। जैसे मार्केट का कोई प्रोडक्ट तुम नहीं जानते कि ये ठीक है या गलत है, तुम प्रचार के हिसाब से चलने लगते हो। कुछ लोग ऐसे बेशक होते हैं जो अनुभव से भी चलते हैं, जो किसी भी चीज़ का अनुभव करके जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, उनके लिए क्या उपयोगी है और क्या गैर उपयोगी है। लेकिन आम तौर से जो बहुमत है वो प्रचार से प्रभावित होने का। तो प्रचार जब भी किसी भी रूप में किया जाएगा उसके सारे नॉर्म वही होंगे और फिर उससे हम कोई भी चीज़ खड़ी कर सकते हैं। निश्चित रूप से अस्तित्व जिसे गुरु के रूप में चुनता है, जो प्रश्न में पूछा गया है, तो वहाँ पर कोई दौड़ नहीं होगी, क्योंकि जब सारी दौड़ गिर गई है तभी व्यक्ति उस बोध को पहुँचा है। अगर आज भी उसके पास दौड़ है तो इसका अर्थ है कि बोध अभी नहीं घटा है। व्यक्ति कुशल वक्ता हो सकता है, व्यक्ति बहुत बड़ा दार्शनिक हो सकता है, चिंतक हो सकता है, विचारक हो सकता है, बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन अगर दौड़ अभी जारी है तो फिर मुश्किल रहेगी और उस दौड़ के चलते हुए बहुत सारा मैनिपुलेशन भी पैदा होगा। गुरु इस सबसे बाहर हो गई घटना है, वो कोई मैनिपुलेशन नहीं करती। अब यहाँ पर जो दुविधा वाली स्थिति है वो ये है कि लोग देखेंगे कि फिर क्या किया जाना चाहिए। तो क्या एक गुरु के पास वैभव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, प्रसिद्धि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर कोई प्रसिद्ध है, ऐश्वर्य में है, तो क्या वो गलत ही होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सहजता से भी कभी कभी ये सब घट सकता है और कभी किसी के फॉर्मेट में, किसी की डेस्टिनी में वो नहीं है तो नहीं भी घट सकता है। दोनों बातें उचित हैं। भारत में लोग जब इस बात से डर गए तो बहुत सारे गुरु इन चीज़ों से भागते हुए जान पड़ेंगे। वो कहेंगे मैं धन से भागता हूँ, मैं प्रसिद्धि से भागता हूँ, मैं हर चीज़ से भागता हूँ, और छुपे छुपे सारे प्रयास करेंगे, क्योंकि काम तो उनके बिना चलना नहीं। भागने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो, जहाँ हो वहाँ रहो। अस्तित्व तुम्हें आगे बिठाल दे तुम आगे बैठो, अस्तित्व तुम्हें पीछे बिठाल दे तुम पीछे बैठ जाओ।
लेकिन तुम जानबूझकर पीछे बैठने की कोशिश करो बस ये दिखाने के लिए कि तुम बहुत विनम्र हो, तो ये करीब करीब वही कोशिश है आगे खड़े होने की। प्रकृति में कोई फल पक रहा है तो वो ये लखनवी कोशिश नहीं करेगा कि पहले आप पक जाइए फिर हम पकते हैं। पक गया, उसको इस बात की चिंता थोड़े कि ये ओढ़ी हुई विनम्रता कि नहीं ये थोड़ा अविनम्र हो जाएगा कि मैं पहले पक जाऊं आप पहले पक जाइए, ऐसा नहीं होता। तो जीवन में ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर जीवन तुम्हें अग्रिम पंक्ति में ले जाता है ले जाने दो, तुम्हें वो जिस मुकाम पर ले जाता है ले जाने दो। तुम जब अपने प्रयासों से उसको खड़ा करने की कोशिश करोगे अड़चन तभी होगी। तो चाहे वो विनम्रता हो या कोई भी भाव हो, अगर उसको जबरदस्ती ओढ़ा जा रहा है तो वो उतना ही गलत है जितना किसी भी महत्वाकांक्षा की दौड़ में पड़ना। ये गड्ढमड्ढ चीजें सब बहुत सारी चलती हैं। सामान्यतः गुरुओं के लिए सादगी भरा जीवन भारत में बहुत महिमा मंडित किया गया, लेकिन हमने कभी ये विश्लेषण नहीं किया कि सादगी होती क्या है। सादगी होती है जो सहज है, जो तुमको सहज उपलब्ध है वही सादगी है। अब तुम किसी नदी के किनारे रह रहे हो, पानी बह रहा है, और फिर तुम सोचो कि ये तो अमीरी हो जाएगी कि हम जाएं और वहाँ से पानी भर लाएं पिएं इस्तेमाल करें। सादगी ये है कि कहीं 20 किलोमीटर दूर जाकर कुआं खोदें और फिर वहाँ से एक लोटा पानी लेकर आएं। अगर लेकर आओ तो तुम हो सकता है बहुत बड़े महात्मा माने जाओ, आसपास की जनता पूजा भी करने लगे कि कितना तपस्वी है, इधर की नदी छोड़कर चला जाता है 20 किलोमीटर दूर कुएं से पानी लाता है। लेकिन इसको मूर्खता ही कहेंगे, सादगी नहीं कहेंगे। सादगी तो सहजता थी कि जो सहजता से उपलब्ध था उसका तुमने इनकार किया। तो कभी कभी जीवन में तमाम ऐसी घटनाएं उपलब्धियां होती हैं जो व्यक्ति को सहज ही उपलब्ध होती हैं, उनके लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है। कोई सहज सुंदर है तो सुंदर है, अब वो अपना रूप बिगाड़े क्योंकि सुंदरता अधार्मिक है, गैर धार्मिक, तो बहुत सारे धर्म और संप्रदाय उनमें यही चलता है सौंदर्य बिगाड़ने की कोशिश। ये जो सिर मुंडाना और तमाम तरह की चीज़ें जो चली वो इसीलिए चली कि अब सोचो कि इन सारी चीज़ों में तो ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, ज़्यादा प्रयास करने वाले हैं। अभी यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सादगी अगर गिरुआ कपड़ा पहनने की है और मैं इनसे कहूँ कि जाओ ले आओ तो तुम बाज़ार में जाओगे तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम जाओ तुम्हें एक टी शर्ट और एक डेनिम हो सकता है बड़ी आसानी से मिल जाए और हो सकता है सस्ते में भी मिल जाए, और वो वाला कपड़ा हो सकता है तुमको मुश्किल से भी मिले और महंगा भी मिले। तो सादगी तो यही है कि जो तुमको सहजता से उपलब्ध हो जाए उसको उपयोग में लाओ, सहजता से तुमको पूरा साम्राज्य उपलब्ध हो जाए तो उसका स्वागत करो, उसका सदुपयोग करो। लेकिन दौड़ जो है वो व्यक्ति की कमजोरी को दिखाएगा और उसकी अंदर की जो महत्वाकांक्षा है उसको दिखाएगा। गुरु महत्वाकांक्षी नहीं है, वो तुम्हारी सहायता करने के लिए भी महत्वाकांक्षी नहीं है। अगर कोई गुरु ये घोषणा भी करे कि मुझे सहायता करनी है तुम्हारी, मुझे पूरे विश्व में कल्याण का संदेश पहुंचाना है, तो ये भी एक ट्विस्टेड अप्रोच होगी जो बहुत हेल्दी नहीं है। तुम्हारे माध्यम से पहुंचनी होगी वो पहुंच जाएगी, पहुंचाने की बात थोड़ी ज़बरदस्ती होगी, और ज़बरदस्ती तुम कोई भी कंसेप्ट ले जाओगे उससे हिंसा ही फैलेगी। अगर पुराने धर्मों के इतिहास पर निगाह डालें तो जो जो चीज़ ज़बरदस्ती लोगों तक पहुंचाई गई
मिशनरी ढंग से उसका प्रचार किया गया, उसने नुकसान ही किया। क्योंकि लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए, लेने वाला व्यक्ति नहीं है और तुम उसको देने की कोशिश कर रहे हो। तो आम तौर से अगर हम देखेंगे तो दिखाई देगा कि गुरुओं की कार्यशैली कुछ ऐसी ही होती है कि लोग उनके पास खींचे चले आते हैं, जो उनके पास आ जाता है वो उस बारिश में भीग जाता है। कितने भी लोग आ सकते हैं, मुट्ठी भर लोग आ सकते हैं और हजारों लाखों लोग खींचकर आ सकते हैं, कुछ भी संभव। ये अस्तित्व का रहस्य है कि कितने लोग आएंगे और क्यों आएंगे। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो तमाम ऐसे गुरु दिखाई देंगे जो बस अपनी जगह पर बैठे हैं और पूरी दुनिया से लोग उनके पास चले आ रहे हैं। कोई प्रचार नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, लोग अपने आप आ रहे हैं। क्योंकि उनकी प्यास है, जब प्यास है तो रूपांतरण होगा और ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा। तो प्रश्न जो है उसको बहुत हमें गंभीरता से और संवेदनशीलता से ही समझना पड़ेगा। क्योंकि एक नज़र में हम देखकर कुछ भी तय कर पाएं ये आसान नहीं होगा। हमको बड़ी गहराई से जाकर देखना पड़ेगा कि सचमुच में बात क्या है। प्रसिद्धि की बात अगर हम उठाएं तो प्रसिद्धि किसी की डेस्टिनी में ही हो सकती है कि प्रसिद्धि से भागना भी चाहे और प्रसिद्ध होकर रहेगा। तो अगर कोई उस ढंग से प्रसिद्ध हो गया है तो हम ये नहीं कह सकते कि अब गुरुओं को तो प्रसिद्धि छोड़ देनी चाहिए। क्या छोड़ दें, वो छूटी नहीं रही है उनसे। लेकिन उसको आयोजित करने के लिए अगर वो सारी राजनीति करने लगे तो ये गलत हो जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगी। और राजनीति कई बार गुरु कम करते हैं, उनके आसपास के लोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये भी गुरुओं की अपनी डेस्टिनी है कि उनके आसपास ऐसे महत्वाकांक्षी लोग इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि उनको अपनी प्रसिद्धि चाहिए। जो कमज़ोर व्यक्ति है, अतृप्त है, अभी भरा हुआ नहीं है, तो उसको अपनी प्रसिद्धि चाहिए और वो गुरु के कंधे पर बंदूक रख के अपनी प्रसिद्धि अर्जित करेगा। तो वो सब कुछ वो करेगा जिससे घुमा फिराकर उसका अहंकार पोषित हो, और तब अलग दुष्चक्र पैदा होगा। तमाम संगठनों में इस तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो वहाँ पर भी हम गुरुओं को सीधे सीधे ब्लेम नहीं कर सकते। हालांकि वहाँ भी बड़ा ट्रिकी सा इशू होगा कि उसमें गुरु की सहमति होगी कि नहीं होगी। कई बार आप दूर खड़े होकर अगर देखेंगे तो चीज़ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कई बार सहमति ना होते हुए भी तमाम दुष्चक्र घूम जाता है और कई बार तमाम दुष्चक्र सहमति से घूमता है। हमारे पास पता लगाने का सचमुच में कोई ठीक ठीक उपाय नहीं। तो हम तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जब किसी चीज़ की पाएँ तभी कोई टिप्पणी कर पाएँ। और व्यक्ति के लिए, सीकर के लिए ये उचित है कि वो बाहरी टिप्पणियों से बचे, क्योंकि वो सब सुनी सुनाई बातों पर खड़ा होगा। और हम बस ये देखें कि जहाँ कहीं भी गुरु की प्रेजेंस अपने पूरे ऐश्वर्य में होगी वहाँ अपरिसीम शांति होगी, असीम शांति होगी। अगर तुम्हारे हृदय में वह असीम शांति उतर रही है तो तुम्हारे लिए सब ठीक है, नहीं उतर रही है तो वो प्रसिद्ध है, अप्रसिद्ध है, वो महाराज है या फकीर है, तुम्हारे लिए सब बेमानी।